नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई पुलिस अपराध शाखा 2 की टीम ने मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। नवी मुंबई अपराध शाखा 2 की टीम ने 18 नवंबर 2022 को मुंबई गोवा महामार्ग पर ऑडी कार में फायरिंग कर संजय मारुति कार्ले हत्या के सनसनीखेज मामले पर से पर्दाफाश करते हुए 37 वर्षीय नामचीन बदमाश मोहसिन हमीद मुलानी और 29 वर्षीय अंकित राजेंद्र कामरे को गिरफ्तार किया है। सोने के बिजनेस और पैसों के आर्थिक व्यवहार को लेकर ही संजय मारुति कार्ले और दोनों ही आरोपियों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। मामला इतना संगीन हुआ कि आरोपियों ने संजय मारुति कार्ले की पिस्तौल से ही उसकी निर्मम हत्या कर रफू चक्कर हो गए। इस मर्डर मिस्ट्री की अधिक जानकारी देने के लिए अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अमित काड़े ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। ये इंसिडेंट पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में 18 नवंबर 2022 में ये जिसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में मिली है, जानकारी के मुताबिक एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी एक अबैंडन ऑडी गाड़ी में पनवेल गोवा हाईवे पे वहाँ पे पाई गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 की जो टीम है पीआर रविंद्र पाटिल और उनकी पूरी टीम ने इसकी तहकीकात शुरू की। जो गाड़ी का कलर था रेड कलर, उस हिसाब से गाड़ी कौन से रूट से आई है इसकी पता जब हमने किया तब हमें पता चला ये गाड़ी पुणे से आई हुई है। उसके बाद काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस को हमने चेक किया, उसके बाद हमें जो डिसीज़ है उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। डिसीज पुणे का रहने वाला था और जो एक्यूज्ड है वो पनवेल के ज्यूरिडिक्शन में रहने वाले थे। वो डिसीज पनवेल के ज्यूरिडिक्शन में एक्यूज को मिलने आया था। इनका बेसिक ये था कि कम पैसे में ज़्यादा सोना दूंगा, गोल्ड दूंगा, इस तरीके का प्रॉमिस जो है वो डिसीज ने एक्यूज को किया था, जिसको चलते कुछ 5.5 लाख रुपये एक्यूज ने डिसीज को दिए थे। बचे हुए और 2 लाख की डिमांड जब डिसीज ने की तब उनकी वहाँ पे झगड़े चालू हो गए। उसी के चलते जब पिस्टल डिसीज ने निकाला, उसी पिस्टल से एक्यूज ने डिसीज की पिस्टल लेके उसे 5 जगह शॉट डेड किया, 5 जगह उसकी गोली मारी, टोटल 5 राउंड्स उस पर फायर किए गए। इंसिडेंट के बाद एक्यूज ने उसी गाड़ी में उसकी डेड बॉडी पीछे के सीट पर डाली और चलाते हुए जो स्पॉट है जहाँ पे हमको ये इंसिडेंट जो हुआ ये अलग जगह पे हुआ है, वहाँ से जहाँ पे गाड़ी पाई गई वो साधारणतः 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ तक एक्यूज ने गाड़ी चलाते हुए लेके गया और उसकी बॉडी वहाँ पे अबैंडन छोड़ दी है। हालांकि अपराध शाखा 2 की टीम ने आरोपी तक पहुंचने के लिए अलग अलग पथकों का गठन किया और मुंबई गोवा हाईवे में तैनात सीसीटीवी फुटेज के टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जाल बिछाकर देहू रोड पुणे से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक गावटी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। घटना के बाद जो एक्यूज्ड है वो काफी हर जगह भागते रहे, कभी सातारा, कभी पुणे, जोधपुर से वो नेपाल गए। नेपाल से कंटिन्यूस हमारे इन्फॉर्मर और पुलिस टीम उनके पीछे थी। जैसे ही वो पुणे ज्यूरिडिक्शन में आए उनको ताबे में लिया गया, पिस्टल भी रिकवर की गई है, उसके राउंड्स भी रिकवर किए गए और इस तरीके से गुना जो है ये ऑफेंस जो है इसको डिटेक्ट किया गया है। पुलिस उपायुक्त अमित काड़े ने बताया कि इस मामले में लिप्त मोहसिन हमीद मुलानी एक मोस्ट वांटेड नामचीन बदमाश है, जिस पर एक्सटॉर्शन, बलात्कार, अपहरण, चोरी, आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं वह जेल की हवा भी खा चुका है। एक्यूज्ड भी इससे पहले एरोडा जेल से छुटके आया हुआ है। एक्यूज्ड मोहसिन और डिसीज दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। पुलिस उपायुक्त अमित काड़े ने बताया कि इस मामले में लिप्त संजय मारुति कार्ले सोनी के बिजनेस के नाम से धोखाधड़ी किया करता था। जो डिसीज है इसने इससे पहले भी कम पैसे में ज्यादा सोना दूंगा ऐसे कुछ इसने इंसिडेंट्स किए हैं, जिसके कुछ मामले जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है। अभी इनका इनिशियल ऐसा हमें समझ में आता है, तहकीकात क्योंकि डिटेल में अभी शुरू है, बट इनिशियली ऐसा समझ में आता है कि ये कुछ पहले थोड़ा क्वांटिटी में असली सोना दिखाते थे और बाद में बोलते थे कि हम इसका ही आपको अभी जैसे थोड़ा 10 ग्राम का सोना है, बाद में आपको इसी टाइप का हम 200 ग्राम का ला के देंगे। अगर कोई बोलता है कि 50 लाख का सोना है 30 लाख में मिलेगा, इस टाइप का लोगों को बेवकूफ़ बना देते, और जब सोना देने की बारी आती थी तो बिना सोना दिए पैसे लेके वो लोग भाग जाते थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर कलम 302-34 आर्म्स एक्ट कलम 325 के तहत मामला दर्ज किया है। इसी के अधिक जानकारी अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अमित काड़े ने पत्रकारों को दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।